हेलो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को धनिया का चटनी बना के दिखाऊंगी। धनिया शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये इसका बहुत तरीके से चटनी बनता है, तो मैं आज एक सिंपल तरीका आप लोगों को बताऊंगी। मैं पहले यहाँ पे 250 ग्राम धनिया है उसको मैं साफ़ कर लूँगी, सिर्फ पत्ता पत्ता निकाल लूँगी और डंठल फेंक दूँगी। आप लोग चाहे तो डंठल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ये डंठल फेंक के सिर्फ पत्ता पत्ता निकाल लूँगी। इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होता है। से करके तोड़ तोड़ के मैं पत्ता निकाल लूंगी। ये देख सकते हो, से पत्ते पत्ते हैं, ऐसे निकाल लूंगी मैं। ये छुरी से इतना आसान नहीं होता, हाथ से आसान होता है, जल्दी हो जाता है काम। फेब्रुअरी, लगभग फेब्रुअरी से ही धनिया का क्वालिटी थोड़ा सा गिरने लगता है। विंटर में तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा क्वालिटी आता है। ये देखिए, मैंने सारे तोड़ लिया और ये डंठल सारे जो निकला है इसको मैं फेंक दूंगी। ये मैंने धो लिया इसको अच्छे तरीके से, ये मिक्सर ग्राइंडर में ले लिया। मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना भी डाला है और मैं अभी डालूंगी ये लहसुन और अदरक और दो तीन हरी मिर्च। ये चटनी में कोई सा भी चटनी हो उसमें लहसुन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका, मेरे हिसाब से, ये मेरा कहना है। नमक डाल दूंगी मैं स्वाद अनुसार, आप लोग चाहे तो बाद में भी नमक यूज़ कर सकते हो। मैं पहले पीसने के टाइम ही इसमें नमक ऐड कर देती हूँ तो अच्छे तरीके से पिसा हो जाता है। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी तो इसका पेस्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही फाइन पेस्ट बनेगा इसका। बस कुछ सेकंड के लिए मैंने चला दिया और ये बन गया मेरा पेस्ट, भी बहुत ही फाइन बना है। ये देखिए, बहुत अच्छा एक पुदीना और
धनिया का चटनी बन के तैयार है मेरा। ये मैं इसमें पानी ज़्यादा ऐड किया, इस वजह से इसे पतला है। आप लोग चाहे तो कम भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आप लोग दही ऐड करके भी एक बना सकते हो। आजकल मेयोनीज बहुत यूज़ होता है, मेयोनीज से भी मैं इसमें ऐड करके और एक तरीके का बना सकते हो। मेयोनीज ऐड करने के बनाने से तो वो बिल्कुल मार्केट जैसे, रेस्टोरेंट जैसा बन जाएगा। तो आप लोग कोई सा भी मेयोनीज से बनाइए या फिर दही से बनाइए, खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।